hello students welcome to the sixth session of circles today we learn a few theorems so let's start with the first theorem the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle ek chhaap dwara antarit kon kisi antarit hota now what is given in a theorem children फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ सर्कल दिस इज अर्कल ओके आपका सेंटर है केंद्र है एंगल बाई एन आक ए बी ये ए डी जो है आपका छाप है फ्रॉम दिस आक यू हैव टू ड्रॉ अ सेंट्रल एंगल सेंटर पर आपको एक आपको एक कोड बनाना है ये हो गया यहां पर एक कोन बन रहा है ओके okay. एंड Another angle will be made at any point on the circle. So let this be a point C, and then we are an angle is formed over here. So from the same arc, we have two angles formed inside the circle one at the center and one at any point on the circle. So our theorem says that the angle formed by this arc at the center is double the angle formed. बाई द सेम आनी पॉइंट ऑन द सर्कल की ओ बी थियर चिल्ड्रेन ओके यानी इस छाप से यदि आप केंद्र पर एक कोण अंतरित करते हैं और इस वृत्त व्रत के कोई भी बिंदु पर आप एक कोण अंतरित करते हैं तो ये जो आपका जो केंद्र का जो कोण है वो दुगना होगा इस कोण का फाइन स्टूडेंट्स ओके नाउ दैट विच मींस इफ दिस इज 40 डिग्री दिस विल बी जस्ट द डबल ऑफ 40 डिग्री यानी कि 80 डिग्री ओके एंड द सेम थियोरम नाउ द थियोरम इज क्वाइट बेग एंडेड चिल्ड्रेन So, when you apply this theorem in your sums, you have to write the reasons in the bracket. So, you do not have to write the whole theorem like the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on any part of the circle. Uske par Okay, you can write another in a very short form, you can write the angle that is formed at the center, this center angle, this is called central angle. यानी कि केंद्रीय कोण ठीक दिस एंगल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल या फिर केंद्रीय कोण एंड दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल इज कॉल्ड इंस्क्राइब एंगल इनस्क्राइब्ड एंगल या फिर इसे हिंदी में कहेंगे उत्कीर्ण Okay, children. Now, so how can you change this theorem in a little shorter way? You can write it as central angle is double the inscribed angle. In very short, you can say this. सेंट्रल एंगल इज डबल द सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब एंगल इसे हम हिंदी में कैसे कहेंगे केंद्रीय कोण कमा उत्कीर्ण उत्कीर्ण कोण का दुगना होता है इस तरह आप शॉर्ट में भी सेम थ्योरम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं केंद्रीय कोण कोण उत्कीर्ण कोन का दुगना होता है इसको अगर हम उल्टा कहें तो कैसा होगा उत्कीर्ण कोण कोण केंद्रीय का आधा होता है इंस्क्रैप एंगल इज हाफ द सेंट्रल एंगल सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम चिल्ड्रन एंड इट्स प्रूफ माइट कम इन द एग्जाम्स तो चलिए पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं सो so, चिल्ड्रन

O C एंड एक्सटेंड एट टू D, ठीक यहां पे ज्वाइन करेंगे और D तक हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो हम यहां पे क्या लिखेंगे ज्वाइन C O एंड एक्सटेंड एट टू D, ओके कंस्ट्रक्शन हो गया नाउ नाउ इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों सी ए You can see there are two triangles न सी दर आर टू ट्राइंगल डू इज वील do some method जिससे कि आपको ये दोनों एंगल मिल जाए तो आपको जोड़ेंगे तो आपको ये पूरा एंगल मिल जाएगा ठीक उसी तरह ये दोनों अलग अलग से मिल जाएंगे और आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा है ना तो इसके लिए हम क्या करेंगे नाउ दिस इज अ ट्रा एंगल वट इज दिस एंगल दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस एंगल है ना ये आपका बाह्य कोण है इस त्रिभुज के लिए ठीक उसी तरह इस त्रिभुज के लिए भी एक बाह्य कोण है तो यहां पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे डू यू रिमेंबर द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वॉज इट सपोज दिस इज अ ट्राएंगल एंड आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल वॉट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी स्टेट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राएंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स यानी बाह्य कोण आपके सम्मुख अंतर कोणों का योग है यही था आपका प्रॉपर्टी राइट दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू यूज अवैर राइट चिल्ड्रेन लेकिन उससे पहले यहां पे देखिए ओ सी और ओ ए वो दोनों बराबर हैं क्यों बराबर हैं आप देख सकते हैं दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो योर रेडियस है ना नाउ इन अ ट्राइंगल दिस इज अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन द ऑपोजिट एंगल इज ऑल्सो इक्वल है ना इसका ऑपोजिट एंगल इसका ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल है क्यों क्योंकि हम ट्राइंगल चैप्टर में सीख चुके हैं कि द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल और उसका एक शॉर्ट नाम भी दिया था मैंने आइसोसलस ट्राएंगल प्रॉपर्टी ओके okay, चिल्ड्रेन नाउ यहां पर लेट्स टेक दिस ट्रायंगल फर्स्ट इन ट्राइंगल एसी इन ट्राइंगल एसी ओ सी इज इक्वल टू यू ओ एट ओ इज़ इक्वल टू ओ ए क्योंकि वे क्या है आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेडियाई दे आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है ना क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है implies angle OAC is equal to angle OCA. ये दोनों आपस में इक्वल है और उसका रीजन क्या है आप लिखेंगे isosceles ट्राइंगल प्रॉपर्टी ये नहीं लिखना चाहते आप शॉर्ट फॉर्म तो आप क्या लिखेंगे Angles opposite to equal sides are of a triangle are equal. ठीक यानी आपको मिल गया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अब इसी ट्राइंगल में बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी this is your exterior angle hana? Right? angle aod angle aod is equal to exterior angle is equal to sum of the two interior opposite angle yani ki angle angle oac plus angle oca right ियर एंगल प्रॉपर्टी लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि हम ऑलरेडी यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि वो दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या करेंगे एक के जगह पर यह डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पर विल यूज दिस एंगल चिल्ड्रन सो वी नीड एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी एंगल एम सो वॉट विल है टू टाइम्स एंगल OCA सी एम्प्लाइज एंगल एडी और एक बार लिख देती हूं इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल OCA. सी ए दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन ठीक अब इसी तरह हम इस ट्राइंगल के लिए भी करेंगे तो क्या है हमारा ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी ओ सी इन ट्राइंगल बी ओ सी सिंस कौन से दो लाइंस इक्वल है देखिए ओ सी और ओबी दोनों रेडियस हैं तो आप लिखेंगे सिंस हमारा कौन सा दो एंगल इक्वल होगा इस साइड का ऑपोजिट एंगल है ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल है ये है ना तो ओ सी बी ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी बी सी और हमारा रीजन क्या होगा वही आइसोसिलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी आइसोसिलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ओके okay, चिल्ड्रन नाउ अगेन इस ट्राएंगल में भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे सो यूल राइट बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल कौन सा है हमारा एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण कौन, कौन सा है ये है यानी कि बी ओ डी एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा है आपका ये और ये यानी कि एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अब ये दोनों तो आपस में इक्वल है तो हम कौन सा लिखेंगे क्योंकि हमें ये वाला एरिया चाहिए है ना तो हम क्या लिखेंगे यहां पर OCB plus, here both equal. Hai, same, we'll angle OCB implies angle BOT is equal to one plus one, two. So twice angle OCB. This is your equation number two. Okay, we've got two equations over here. Now we'll add equation number one and equation number two. So we'll write, adding. Equation 1 and equation, no just write like that equation 2, okay. What is the equation number 1? Angle AOD, angle AOD plus equation 2 ka kya hai apka? Angle BOD, angle BOD is equal to, humare equation 1 me 2 angle OCA. टू टाइम्स एंगल ओ सी ए प्लस आपका इक्वेशन टू का टू टाइम्स एंगल ओ सी बी ओके चिल्ड्रेन नाउ वॉट इज एओडी प्लस इज दिस एंगल बीओी इज दिस एंगल यानी कि दोनों को एड करने पर आपको क्या मिलेगा आपको ये एंगल मिलेगा सेंट्रल एंगल दैट इज ए बी implies एंगल ए ओ बीवल टू यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं टू तो ब्रैकेट में आपका क्या आया ओ सी ए प्लस ओ सी बी विच एम्प्लाइज एंगल ए बी इज टू टाइम्स वॉट इज ओ सी ए सी ए दैर इज दिस एंगल ओ सी बी ओ सी बी इज दिस एंगल जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो आपको क्या आएगा This full angle that is A, C, B. Angle A, C, B. Ye is your answer. You ko ka that the central angle is double the inscribed angle. Right? Now, this is case 1. Because when we learnt about arcs, I told you arc can be माइनर इट कैन बी मेजर इट कैन बी इक्वल इजंट इट जब हम छाप के बारे में सीख रहे थे मैंने आपको बताया था कि छाप कितने तरह के होते हैं वो लघु हो सकता है वो धीग हो सकता है और वो बराबर भी हो सकता है है ना तो ये क्या था आपका दिस इज अ माइनर आर्क ये आपका लघु छाप है तो उसके लिए दिस वाज द प्रूफ राइट चिल्ड्रन नाउ फॉर केस 2 सपोज केस 2 देखिए दिस इज अ सर्कल ये आपका सर्कल है मैं लेती हूं बराबर छाप ये आपका ए है और ये आपका बी है ठीक है बराबर छापे दे आर इक्वल आर्क्स इक्वल आर्क्स माने दिस साइड दिस आर्क एंड दिस साइड दिस आर्क बोता इक्वल ठीक अब इस दोनों पॉइंट से हमें सेंटर में एक, एक एंगल बनाना है तो हम ज्वाइन कर लेते हैं ये हो गया और ये हो गया ठीक तो ये आपका सेंट्रल एंगल है राइट अब वृत्त के अन्य भाग में आपको कोई बिंदु लेना है उसमें एक एंगल बनाना है सेम छाप से तो हम यहां से यहां बनाएंगे यहां से यहां बनाएंगे दिस इज योर सी ओके नाउ दिस इज योर इंस्क एंगल राइट तो यू हैव टू प्रूव दैट ए ओ बी इज डबल ए सी बी सेम इसी तरह है ना तो so, यहां पर भी हम सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसे ज्वाइन करेंगे और इसे एक्सटेंड करेंगे सेम अगेन राइट right? तो यहां पर भी आपको एक बाह्य कोण मिल रहा है सो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ़ समीस टू सम ऑफ़ दिस एंगल्स विच मींस दैट इन द केस टू वेन द आक्स आर इक्वल यू हैव टू डू द सेम थिंग वॉट यू हैव डन इन केस वन लेकिन आपको दोबारा सेम चीज करने की जरूरत नहीं है आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे write it as case 1 and case 2 have the same proof okay children now it's case 3 case 3 mein kya tha it was a major arc yani ki chha. okay uske liye suppose this is your circle ओके चिल्ड्रन नाउ सपोज दिस इज योर आर्क दैट इज ए एंड दिस इज योर बी बड़ा होना चाहिए ना मेजर आर्क है तो फ्रॉम ए टू बी दिस इज योर आर्क अब यहां से आपको सेंट्रल एंगल बनाना है तो आप यहां से यहां जॉइन करेंगे यहां से यहां जॉइन करेंगे तो आपका सेंट्रल एंगल कहां पे बन रहा है इट इज ये अब आपका इंस्क्राइब एंगल कहां पर बनेगा यहां कहीं पर है ना यू यू बनेगा दिस इज योर सी राइट चिल्ड्रन दिस विल बी योर केस राइट बिकॉज दिस इज आर्क आपका एंगल यू ही बनेगा तो यहां पर द सेम फॉर्मुला सेम दैट इज एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी लेकिन आप देख सकते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्स एंगल है ना यानी प्रतिवर्ती कौन है तो जब केस थ्री के लिए आप जब लिखेंगे आपको सेम प्रूफ आएगा आपका और आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखना है दैट रिफ्लेक्स एंगल ए बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी ओके चिल्ड्रेन केस थ्री के लिए आपको केवल आपको इतना ही लिखना है रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू टी बी चिल्ड्रेन सो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपको case one, case two, case three, आपको केस 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 तीनों ही प्रूफ करना होगा लेकिन केस वन एंड केस टू डू इट वंस एंड जस्ट राइट दिस मच एंड फॉर केस थ्री यू जस्ट हैव टू राइट दिस मच ओके चिल्ड्रेन आई होप दिस थियोरम इज क्लियर टू यू अब हम चलते हैं एक और एक थियोरम की ओर नाउ अ नेक्स्ट थियरम इज एंग इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल यानी एक ही वृत्कंड के कोण बराबर होते हैं नाउ अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊं और आई एम ड्रॉइंग कॉर्ड ओवर एक मैं जीवा बना रही हूं ए बी सो दिस इज वन सेगमेंट एंड दिस इज वन सेगमेंट इज इन द चिल्ड्रेन तो कोई भी एक सेगमेंट में अगर आप एंगल्स बनाते हैं सेम पॉइंट से यहां से ओके सो सपोज दिस इज वन एंगल फॉर्मड सी एंड यहीं से मैं दूसरा बना लेती इस पॉइंट पर यहां पर ओके देन दीज टू एंगल्स विच इज फॉर्मड इन द सेम सेगमेंट एक ही वृत् जो कोण बन रहे हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होगा तो यहां पर क्या है वी कैन सी दैट एंगल ए डी बी एंगल ए डी बी ज इक्वल टू एंगल ए सी बी और बी सी एन कभी भी कोई सेकंड में आके दो या तीन एंगल्स हो सभी एंगल्स एक दूसरे के साथ बराबर होंगे सो इफ दिस इज फोर्टी डिग्री दिस विल आल्सो बी फोर्टी डिग्री एंड इफ यू गॉट अनदर एंगल ओवर इिस ऑल्सो भी फोर्टी डिग्री सो दिस इज आर थियरम ओके चिल्ड्रेन नाउ अनदर थियरम दैट आई लाइक टू से

ऑलवेज बी नाइन्टी डिग्री है ना अर्थवृत पर यदि आप को माप हमेशा सम कोण यानी नाइंटी डिग्री ही होता है तो यहां पर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री कहीं पर भी कहीं पर भी आप कौन बना लीजिए जैसे कि यहां पर बना लीजिए दिस इज ऑल्सो एन एंगल इन इन द सेमी सर्कल सो दिस इज नाइन्टी डिग्री ओके सिमिलरली यहां पर भी आप कहीं पर भी बना लीजिए सेमी सर्कल में दिस विल बी 90 डिग्री ओके चिल्ड्रन ये भी आपको ध्यान में रखना है नाउ ना थिंग दैट आई लाइक टू इज अबाउट साइक्लिक क्वाड्रीलेट्रल साइक्लिक क्वाड्रिलेट्रल माने एक सर्कल में यदि आप एक चतुर्भुज बनाते हैं और उस चतुर्भुज के सभी शीर्ष ए बी सी डी उस वृत्त पर हो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ओके Now, cyclic quadrilateral has got just one property. The property is that the sum of the two opposite angles is always 180 degree. Sum of B and D is angle B plus angle D is 180 degree. Take kusi tara angle A or angle C. Angle A plus angle C is equal to 180 degree.

टर इज अलिक क्वार सो आई होप ऑल थियरम्स आर क्लियर चिल्ड्रेन चलिए हम आप

यदि एंगल DBC 55 डिग्री तथा एंगल BAC 45 डिग्री हो तो एंगल BCD ज्ञात कीजिए सो चिल्ड्रन व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यदि दे चुके हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि हम उसका प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री ओके व्हाट एल्स इज गिवन हियर DBC Angle DBC, this angle is given as 55 degree, right? Then BAC, BAC, this angle is 45 degree. What are you supposed to find? You have to find angle BCD, BCD. You have to find this full angle, right? Because it is a cyclic quadrilateral, and because you can use the property of cyclic quadrilateral, so यदि हमें ये एंगल मिल जाता है तो हम ऑपोजिट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं है तो क्योंकि आपको आधा तो डिग्री है, है, है ना तो हम ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए यह जो आपका कॉर्ड है सी डी ये जो जीवा है दो कोण अंतरित कर रहा है देखिए यहां से ये आपका एक कोण है और ये आपका एक कोण है, है ना? तो अगर सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स हो तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों इक्वल है बिकॉज अभी अभी हमने सीखा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल राइट सो वॉट बी राइट कॉट कॉट सी डी कॉट सी डी कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है कॉट सी डी डी ए सी एंगल डी ए सी एंड एंगल डी ए सी एंड दिस एंगल दंगल सी बी डी सी बी डी है ना यानी कि वो दोनों इक्वल है तो हम इसे कैसे लिखेंगे कॉन सप्टेंस इम्प्लाइज एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी चिल्ड्रन डी ए सी एंड सी बी डी या डी बी सी या फिर सी बी डी बोता सेम चिल्ड्रन दिस इज फिफ्टी फाइव डिग्री इफ दिस इज फिफ्टी फाइव डिग्री दिस विल ऑल्सो बी फिफ्टी फाइव डिग्री इज एन डेट तो यहां पर दोनों इक्वल है और यहां पर आ गया आपका फिफ्टी फाइव डिग्री और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे एंगल इन देंट आर इक्वल और ये फोर्टी फाइव डिग्री हम दोनों को एड कर लेते हैं हमें क्या आएगा एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल हम एड करेंगे बी ए सी या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहां पर यहां पर हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास डायग्राम रेडी है तो हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं बी एडी इज फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फिफ्टी फाइव डिग्री दैट इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री ओके बी एडी इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री अब हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हमारा साइक्लिक कोर्डिलेटर का प्रॉपर्टी राइट सम ऑफ दिस टू एंगल इज वन एटी डिग्री सो विल राइट ऑल्सो एंगल बी एडी plus angle DCB or what is it BCD, we will use BCD because in the question it is given is equal to 180 degree. BAD plus BCD is equal to 180 degree or its bracket means reason kya likhenge? We will write opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree okay. अब हमारा बीएडी कितना आया आपका हंड्रेड डिग्री सो दिसल हिग्री एंगल बी सी डी इज इक्वल टू वन एटी माइनस हंड्रेड इज एटी डिग्री दिस इज योर आंसर आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रेन तो यहां पर हमने दो थियोरम यूज किए हैं एक तो है कि